हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से एक फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। हमारे जो पैनल शॉट किलर है और किस तरीके से इससे हम पैनल की शॉटिंग है वो भी दूर कर सकें, उसके ऊपर ये हमारा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले ये पैनल शॉट किलर है जो हमारा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया है, इससे हम अपना बोर्ड की डीसी का जो शॉट होता है वो भी निकाल सकते हैं। साथ में पैनल में अगर कोई शॉटिंग है, पैनल के गेट लाइन में शॉटिंग है, वो भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो इससे मल्टीपर्पज हम काम ले सकते हैं। तो आज हमारे पास ये देखिए एक सिंगल कोफ का पैनल आया है, सैमसंग का जो कि पैनल है सिंगल कोफ। इसमें मैं ऑन करके दिखाता हूँ, एक बार आप देखिएगा बूस्ट हल्की सी ग्लो होगी, उसके बाद फिर से ये देखिए एक बार झटका दिया बूस्ट ने और उसके बाद इसकी बूस्ट जो है वो बंद हो जाती है। मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ। देखिए पैनल VCC यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट भी हमारा जो है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बूस्ट सप्लाई जो है यहाँ पे देखिए AVDD की बन नहीं रही है। इस तरीके से यहाँ पे VON की सप्लाई जो है वो भी यहाँ पे नहीं बन रही है। और इसको जब मैंने अच्छे से चेक किया है तो इसकी ये देखिए जो CKB लाइन जो रहती है, गेट लाइन यहाँ पे, इस साइड भी और इस साइड भी, जो मैंने अभी इसको इसका जो पेंट है वो साफ़ कर दिया है दोनों साइड से, इनमें शॉर्टिंग मुझे देखने को मिली है। मैं शॉर्टिंग भी आपको चेक करा देता हूँ। CKB1 और CKB B1 में यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग है इसमें। लगभग 500 ओम की शॉर्टिंग यहाँ पे दिखा रहा है और CKB B2 और CKB2 में लगभग 9 मेगा ओम की शॉर्टिंग। और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं दूसरी साइड भी आपको, CKB1 और CKB B1 में देखिए 500 ओम की शॉर्टिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम इन ट्रैक्स को यहाँ से कट करेंगे, पैनल की साइड देखेंगे कि हमारी शॉर्टिंग लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। जिस साइड हमारी शॉर्टिंग होगी हम उस शॉर्टिंग को हमारे पैनल शॉर्ट किलर की सहायता से हम उसको दूर करेंगे और पैनल को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये हमारे जो CKB के जो ट्रैक हैं इनको कट करना है बहुत ही बारीकी से, उसके बाद हम पैनल की तरफ इसकी शॉर्टिंग देखेंगे कि किस साइड की हमारी शॉर्टिंग है। तो मैंने यहाँ पे CKB लाइन को कट कर दिया है इधर, जैसा कि दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे CKB के जो ट्रैक हैं वो कट कर दिए हैं ब्लेड से और इधर से भी कट कर दिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करते हैं पैनल की साइड, तो यहाँ पे हमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाई दे रही। इसके बाद हम दूसरे ट्रैक्स पे, यहाँ पे भी नहीं। अब हम इस साइड शॉर्टिंग हमारी जो है चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड हमारी अभी भी 500 ओम की जो शॉर्टिंग है वो दिखाई दे रही है, मतलब कि हमारा जो पैनल है वो इस साइड शॉर्ट है। तो इस साइड की जो शॉर्टिंग है हमको मिली है 500 ओम की कटिंग करने के बाद, इस शॉर्टिंग को पहले रिमूव करना है, उसके बाद हम अपने पैनल को ऑन करके देखेंगे। तो हमने अपना शॉर्ट किलर जो कि हमारे पास है इसको हम अपने यूज में लेंगे और इस पैनल की शॉर्टिंग को दूर करेंगे। तो शॉर्टिंग को दूर करते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने शॉर्ट किलर की हेल्प से यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग को दूर किया है। नज़दीक से दिखा, यहाँ पे देखिए अभी जो हमारी 500 ओम की शॉर्टिंग थी वो देखिए यहाँ पे ओपन हो गई है। और उसके बाद CKB2 में भी यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, जो CKB1 में यहाँ पे शॉर्टिंग थी वो यहाँ पे देखिए रिमूव हो गई है। अब हम इस पैनल को ऑन करके देखते हैं, जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आपके साथ यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने ये जो CKB के हमारे ट्रैक थे जो
बहुत ही बारीक कट किया था यहाँ पे, मैंने उसको हल्के हाथ से यहाँ पे जोड़ दिया है इस साइड से, और अभी इधर के जो टैग हैं मैंने ओपन रखे हैं ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए कि शॉर्टिंग यहाँ से रिमूव हो गई है। तो इस साइड अभी ओपन रखा है, बाद में इनको भी मैं जोड़ दूंगा, लेकिन इस साइड से हमने शॉर्टिंग निकाली है। तो इस साइड का हम पैनल चेक करते हैं कि हमारा पैनल जो है वो ऑन होता है या नहीं, और यहाँ पे मैं रिमोट से ऑन करता हूँ सेट को। देखिए दोस्तों, हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई भी इसमें आपको लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी, और कोई भी इसमें जो सिके हुई लाइन कट करने के बाद आप देखते होंगे कि कहीं लाइनिंग रह जाती है बारीक बारीक सी, वो लाइनिंग भी यहाँ से हट गई है। अभी हमारा पैनल जो है वो एक साइड से चल रहा है, इस तरीके से आप भी अपने जो पैनल हैं वो रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट किलर की हेल्प से, शॉर्टिंग निकाल सकते हैं, सभी पैनलों की शॉर्टिंग जो है वो दूर कर सकते हैं शॉर्ट किलर से। और इस तरीके से हमारा जो ये पैनल है इसकी लाइफ भी आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कई बार हम सीके वी लाइन जो कट कर देते थे पहले, उससे क्या रहता था कि वो जो पहली एक साइड की शॉर्टिंग रहती थी वो धीरे धीरे दूसरी साइड में पहुँच जाती थी, और कुछ टाइम चलने के बाद आपका पैनल जो था वो नॉन रिपेयरेबल हो जाता था। लेकिन इस मेथड से आप जो भी पैनल रिपेयर करेंगे तो उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा रहेगी। अभी मैं इस साइड से भी इसके जो ट्रैक है वो जोड़ देता हूँ ताकि हमारा जो पैनल है वो दोनों साइड से चले। दोस्तों, मैंने इस साइड के जो ट्रैक जो हमारे ओपन थे वो भी अब जोड़ दिए हैं, दोनों साइड के ट्रैक जो हैं वो शॉर्टिंग निकाल के यहाँ पे जोड़ दिए हैं, और हमारा पैनल अभी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ओके चल रहा है। इस मेथड से आप अपने पैनल सारे रिपेयर कर सकते हैं जो भी आपके पास पैनल आता है, और ख़ास तौर से जो हमारे वेद प्रकाश सर ने ये जो हमारा शॉर्ट किलर जो बना के दिया है, जिसमें देखिए अलग अलग से वोल्टेज है, अभी जो उनका जो नया है उसमें 20 वोल्ट 40 वोल्ट 60 वोल्ट 80 वोल्ट 100 वोल्ट सभी वोल्टेज है, और इसको ख़रीद के आप अपने पैनल हैं बोर्ड है वो सारी चीज़ें रिपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।